मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनावी साल में एक दूसरे पर हमला बोलने का भी एक मौका कांग्रेस या बीजेपी गंवाना नहीं चाहती। अब एक ऐसा वीडियो कांग्रेस के हाथ लगा है जिस पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर नरोत्तम मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बीजेपी विधायक गौरीशंकर बिसेन का हाथ हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वायरल वीडियो में मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। ये वीडियो बालाघाट के एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने निशाना साधा है। पीयूष बबेले ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा ने बालाघाट से चुनाव अभियान की शुरुआत के साथ अपना ओबीसी विरोधी चेहरा दिखा दिया। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने हाथ उठाया तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हाथ झटक कर नीचे कर दिया। इसी भाजपा ने ओबीसी का 27% आरक्षण समाप्त किया था। बहरहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस ने इसे ओबीसी का अपमान बताते हुए एक मुद्दा बना दिया है, ताकि चुनाव में बीजेपी का ओबीसी विरोधी और कांग्रेस को ओबीसी हितैषी ठहरा सके, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिले। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है।